शहर के वैस्थम इलाके मोहद्दीपुर में जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से यातायात विभाग द्वारा ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है, जिसके लिए शिफ्ट वार होमगार्ड और पुलिस को ड्यूटी लगाई गई है, जिसको शनिवार को एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने ड्यूटी नियमों की जानकारी देते हुए उन्हें मोहद्दीपुर स्थित चौराहे पर रवाना किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। वो क्या कह रहा है, बीच वाला क्या कह रहा है, किस ट्रैफिक को इशारा कर रहा है चलने दो, है ना। ये कार्य आपको 5 बजे से 8 बजे के बीच में ज्यादा एक्टिव रहता है, बीच में ट्रैफिक का हल्का है, कोई बात नहीं, है ना। आप लोग परमानेंट एक में, क्योंकि आपको पता हो जाएगा ना कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मोहद्दीपुर चौराहे को हम लोग जो है यातायात सिग्नल पर चला रहे हैं। यहाँ पे विशेष रूप से इनको प्रशिक्षित करके, क्योंकि रात के समय में सिग्नल के पास में खड़े होते कोई टक्कर ना मार दे, तो नाइट में रिफ्लेक्टिंग जैकेट्स जो है इन लोगों को पहना के वहाँ पे रखेंगे। पॉल्यूशन से बचाव के लिए हमने मास्क दिया हुआ, जिससे पॉल्यूशन के समय नाक और मुँह में धुआं ना जाए, धूल ना जाए, इससे बचाव के लिए हम लोगों ने ये किया है। इनको शिफ्ट वार है, सुबह रहते हैं 8 घंटे, दूसरे ड्यूटी रहती है 8 घंटे, इनकी ड्यूटी रहती है, तो पूरा प्रॉपर जो है जिससे ट्रैफिक मैनेज रहे। वहाँ पे इम्पोर्टेंट चौराहा है मोहद्दीपुर का, ट्रैफिक सिग्नल लग चुके हैं, तो इनको हम लोग ट्रैफिक सिग्नल के आधार पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ, इसके पहले सिग्नल खराब थे वहाँ पर, अब लग गए हैं, अब चला रहे हैं उसको।